ये जी लेजर है एलटी ब्रांड का। ये डिवाइस रिचार्ज होती है, बेयरिंग होगी इसका। इसकी लाइट जल रही है, इसकी बस काम स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बटेर का एक बच्चा जो है वो निकल आया है। जो हमने अंडे कबूतरों के नीचे रखे थे ना, उनमें से एक बच्चा, ये देखें कितना येलो येलो सा, कितना प्यारा, कितना छोटा और कितना क्यूट है। माशाल्लाह देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा है। ओए कैसे हो? ये जी नया मेहमान आया है हमारे जू में। ये हमने कुछ परिंदे जो घर रखे हुए थे ना शिफ्ट किए थे जू में, और ये नया बच्चा निकल आया। अब ये अगर कबूतरों में छोड़ेंगे तो वो मार देंगे, उनके पाँव के नीचे आके मर जाएगा, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं टिकता। तो इसलिए इसे हम घर ले आए हैं। ये लो जी आपका नया घर। कैसे हो नू मनु? और ये पानी भी आ गया जी। कितनी बड़ी गाड़ी आ गई, बहुत बड़ी, वो कोस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम टाउन आए हुए हैं, मैं और मोहम्मद। अम्मी जान को सिस्टर के यहाँ छोड़ना था, जाते जाते ना हम अच्छी केबल ले जाएंगे जो कैमरा को लगानी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वायर जो है वो पड़ी हुई है, वायर ले ली है। हमारा बेबी जो है ये सो गया हुआ है माशाल्लाह। मोहम्मद ने लिया है ट्रैक्टर ट्राली, जो कि लेता है। इससे पहले भी इसके पास ये ट्रैक्टर ट्राली है, ट्राली टूट गई हुई है, लेकिन ट्रैक्टर अभी भी ठीक ठाक है। तो ट्राली ट्रैक्टर मेरा शेर घर जाके चलाएगा, लेकिन अभी ये सो गया होगा। और वायर हमने ले ली है, वो पंखे को भी लगाएंगे, क्योंकि पंखा जो है ना उसकी वायर भी वो गर्म हो जाती है। तो उमेर भाई को मैंने कहा तो वो हंस रहे थे। और हाँ, उसके अलावा मेरे पास एक और कैमरा है, वो 12 वोल्टेज पे नहीं चलता, वो चलेगा 5 वोल्टेज पे। और जो डिवाइस हमने लगाई है ना, सोलर बैटरी के दरमियान में एक डिवाइस लगती है, उसके ऊपर ना USB की दो पोर्ट्स हैं, तो उसमें उसकी डाटा केबल लग जाएगी और वो कैमरा भी चल जाएगा इंशाल्लाह। घर पहुंच गया, मुझे बड़ी फिक्र थी अपने चुन्ने मुन्ने की। ये ठीक ठाक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहुंच गए हैं जू में, लेकिन खेतों पे नज़र पड़ी है ना, तो अबू जान ने ये काम करवा दिया हुआ है कि इसके जो बन्ने हैं ना, जो हदबंदी होती है किसी और के खेत और आपके खेत के दरमियान में, जो बॉर्डर होता है ना, इन दिनों होते हैं कमज़ोर। और जब धान की फसल लगती है ना, वो मजबूत चाहिए होते हैं, क्योंकि धान की फसल में रोकना होता है ज़्यादा पानी। चूँकि लेज़र करवाएंगे अपने खेत में, यानी इसका बैलेंस करेंगे, हमारे बॉर्डर जो है ना वो मजबूत होने चाहिए। पहले हम हाथ से करते थे, वो जो कई होती है ना उसकी मदद से, इस बार जो है हमने ट्रैक्टर से ये सारे के सारे जो बन्ने हैं ना मजबूत कर दिए हैं, क्योंकि अब जितना चाहे हम पानी सेव कर सकते हैं। पिछले सीज़न में ऐसा हुआ था कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, शुरू में बारिशें नहीं हुई, ऐसे लगा कि जैसे इस दफ़ा धान की फसल नहीं लगा पाएंगे। फिर अचानक से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। क्या होता था, उधर से खेतों से पानी आता था इधर हमारे खेतों में, यहाँ से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इस खेत में जाता था और इस खेत वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो सीधा आगे नाला है उसमें चला जाता था, यानी ज़ाया हो जाता था। इस बार हमने बंद सारे मजबूत कर दिए हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वाला चक्कर नहीं होगा। ये जी, ओहो ये जी, मार्शल का जो पहला पट्टा है ना, यहाँ पर पड़ा हुआ था, अभी उसका दूसरा पट्टा। ओए साइड पर हो जा, नाम लिया नहीं, मार्शल हाजिर। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अंदरूनी हिस्सा है जो जू का, ये ज़बरदस्त हो गया है। इधर भी ये सारा का सारा एक लेवल का पक्का हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह इसे मज़ीद पक्का करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सबसे लो स्पीड पे मैंने चलाया है, तो अब हाई स्पीड करते हैं। परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नया कैमरा जो है लग चुका है, चल चुका है, तो इसको अभी रीसेट करना बाकी है। भाई ये खुद ही चलने लग गया, कैसे हो टोबू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली हमारे कैमरे जो हैं वो चल गए हैं। ये वाला कैमरा भी चल गया है, ये 12 वोल्टेज, इसके साथ अडोप्टर था, हमने अडोप्टर हटा के ना डायरेक्ट वायर से लगा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चल गया। लेकिन वही वायर का मसला था, पहली वायर पे नहीं चलता था क्योंकि वो हल्की थी, करंट पूरा पास नहीं करती थी। अभी अच्छी वायर लगाई है तो ये भी चल गया, हमारा फैन भी फास्ट स्पीड में चल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हाल के अंदर कैमरा लगाया था। ये कैमरा जो 5 वोल्टेज पे चलता है, यानी अडोप्टर के साथ, तो इसमें इस डिवाइस में ऑप्शन है जी USB की, तो हमने इसको भी लगा दिया। जी माशाल्लाह, ये है जी हमारा कैमरा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे दोनों कैमरे बेहतरीन हो गया, तो मिलते हैं सुबह को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम हैं अपने शहजादे के पास और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी इसके लिए आटा लेके आए हैं, ये इसे खिलाएंगे और मज़े कराएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, कैसे हो? बिस्मिल्लाह, ये लो खुद ही खा लो। आए मज़े मज़े, बिस्मिल्लाह, खा लो खा लो खा लो। ये भी अभी जी मैं और अब्बू जान जा रहे हैं सात वाले गाँव वहाँ से लेज़र का पता करने, क्योंकि अभी हमारी ज़मीन जो है वो लेज़र के लिए रेडी है, उसमें लेज़र चलना चाहिए ताकि लेवल हो जाए और इंशाल्लाह फिर हम धान की काश्त जो है वो शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये लेज़र हमें मिल चुका है और हमारे आगे आगे जो है वो जा रहा है और हम पीछे पीछे हैं, तो इंशाल्लाह सुबह सुबह ही हमारा काम जो है वो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सात वाले गाँव पहुँचे ही हैं, आगे से एक ट्रैक्टर जो है वो आ रहा था तो कह रहे थे हम आप ही की तरफ जा रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे। ट्रैक्टर जो है वो हमारे खेतों में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखते हैं कैसे ये सेटअप लगाते हैं और कैसे लेज़र जो है वो कटाई करती है ज़मीन की और उसको उसका लेवल कर देती है, ढलवान सारी ख़त्म कर देती है इंशाल्लाह, अभी पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डीजे जी, हमारे वाली ट्राईपोर्ट जो है इनू के पास भी है, लेकिन इनू के पास जो ट्राईपोर्ट है ना भाई साहब, बहुत बड़ी ट्राईपोर्ट है। ये ट्राईपोर्ट है और मेरे सर से ऊपर है, इस पे अगर कैमरा लगाना हो ना तो वो तो खैर ये कैमरा है, इसके आगे कुछ भी नहीं, और सीढ़ी चाहिए फिर। ये जी ट्राईपोर्ट लग चुकी है, इसके ऊपर एक लेज़र लगना है, वो डिवाइस है। ये जी लेज़र है एलटी ब्रांड का, ये डिवाइस रिचार्ज होती है। ये गया ऊपर, बेयरिंग होगी इसका। इसकी लाइट जल रही है, इसकी काम स्टार्ट। बहुत सिंपल है, मुझे लगा काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि इसका साइजिंग करनी है ये वो। नहीं जी, वो उसको लगा है, उसको ऊपर किया डिवाइस को और बस वहाँ से स्टार्ट। अभी लेज़र सारे घूमेगा, इसका जो है वो मेरे ख्याल से लेवल देखेगा कहाँ से ज़्यादा है कहाँ से कम है, और फिर बैलेंस करेगा इंशाल्लाह। जहाँ से उठानी है मिट्टी वो उठाएगा, जहाँ गिरानी है वो गिराएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये चार कनाल जो खेत है ना, सारा का सारा बैलेंस में हो गया है। अब इस पे चलने का भी मज़ा आ रहा है, ऐसे जैसे मैं ग्राउंड पे चल रहा हूँ। माशाल्लाह ये सारा का सारा ओके हो गया, अब इसमें हम पानी डालेंगे आज ही, क्योंकि हमारी पनीरी जो है ना उसके दिन समझ लें पूरे हो गए हैं और काम जो है बहुत ही जल्द जो है ख़त्म कर दिया माशाल्लाह। मुझे नहीं आइडिया था, मुझे ये था कि अभी और चक्कर लगाएगी गाड़ी, लेकिन उन्होंने झट से निकाली है, ओ एकड़ में चले गए हैं, वापस जाके ड्रोन उड़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं जी कितना ज़बरदस्त बैलेंस हो गया हुआ है हमारे खेत का अल्हम्दुलिल्लाह।
ये माशाल्लाह काम ख़त्म होने वाला लेज़र का, और लेज़र जो है पर आवर के हिसाब से पैसे चार्ज करता है, एक घंटे के पैसे जो हैं वो 3000 रुपये हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया, हमारा एकड़ भी हो जाएगा, फिर बाद में देखते हैं कि कितना टाइम लगा और कितने पैसे जो हैं वो चार्ज हुए। अबू जान का मशवरा यही है, और वो भाई भी कह रहे थे कि खेत में पानी ऐसे ही लगाएं और रूटावेटर लगवाएं, और आपका कद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना आ चुका है, अभी खाना खाएंगे और मज़े करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना शाना खा लिया है और हमारा काम भी ख़त्म हो गया, पानी यहाँ तक आ चुका है, और चार घंटे लगे हैं, चार घंटे का 3000 के हिसाब से 12000 बना है। अल्हम्दुलिल्लाह चार घंटे में तकरीबन डेढ़ एकड़ जो है, 8-12 कनाल, हाँ जी 12 कनाल, 1 किला तो 4 कनाल, एक कनाल का 1000 बनता है। हाँ। 12 कनाल जगह थी, सारी की सारी लेवल हो गई है, ये समझ लें 1 कनाल 1000 में पड़ी है हमें। वो जो लेज़र खाना वो उन्होंने ये रख दिया बैग पे। अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ तमाम, बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। पानी जो है ना वो खेतों में ऐसे फैल गया है, हर तरफ जा रहा है, इधर को आ गया, इधर को आ गया, जिधर जिधर को उसको रास्ता मिल रहा है ना पानी जाए जा रहा है माशाल्लाह। वहाँ से ऊंची ज़मीन थी, वहाँ पानी नहीं जाता था, इस एरिया में नहीं जाता था, इधर से जाता था सबसे पहले उधर, और फिर इधर को आता था, फिर यहाँ पर भी, यहाँ थोड़ा हिस्सा जो है ये भी ऊँचा था, मतलब काफ़ी ऐसे 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 था, लेकिन अब सारे वट जो हैं वो निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर जी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, और अपनों को खुश रखें, और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।